स्कूल में कितने बच्चे अध्ययन करते हैं? स्कूल में 21 लड़कियां और 21 लड़के, टोटल 42 बच्चे। वैसे तो अब समाज में तो ऐसा है कि बच्चों लड़कों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अब लड़कियों पर भी विशेष ध्यान देकर और उनके पालन पोषण भी अच्छे से किया जा रहा है। और यहाँ जो जहाँ तक शिक्षण का उसका है तो लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं। उनकी परवरिश में क्या अंतर आप देखेंगे? वैसे तो लड़के लड़की दोनों समान हैं, अंतर तो करना नहीं चाहिए पालकों को, लेकिन अब समाज में कुछ कुर्सियाँ ऐसी हैं जिनके हिसाब से अंतर हो जाता है, लेकिन उसको समानता की दृष्टि से देख के करना पड़ेगा। फिर भी किस प्रकार की समानता है आप? जैसे उनको एजुकेशन, पूरा अच्छा एजुकेशन दिया जाए, उनको जागरूक किया जाए, उनके अपने अधिकार बताए जाए। स्कूल में जो अभी अलग अलग बिठाने का जो चल रहा है, ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? जैसे अभी क्लासों में बच्चे अलग अलग बैठते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं होना चाहिए। और बच्चे क्या है, अपनी थोड़ा उससे बैठ जाते हैं, बाकी तो को एजुकेशन यहाँ पर है, सामने बच्चे पढ़ते हैं। आप बच्चों का भविष्य क्या देखते हैं, लड़के लड़कियों में? अगर आज की स्थिति में तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों से अच्छा भविष्य लड़कियों का है, एजुकेशन में भी सबसे आगे हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे हैं, और सभी गतिविधियों में लड़कियां लड़कों से कहीं बेहतर। स्कूल में लड़कियां क्या क्या काम करती है? लड़कियां पानी डालती हैं, पेड़ पौधों की सफाई भी करती हैं, और झाड़ू भी लगाती हैं, क्लास की सफाई भी करती हैं। ऐसा क्या काम है जो आपके यहाँ लड़के नहीं करते हैं? लड़के सब करते हैं, लड़कियाँ लड़के सब करते हैं।